ट्यूब रथ कॉरपोरेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आपके परिवार के साथ। तो आज का एक टॉपिक है इजिप्ट में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। काफ़ी सारे हमें मेल आ चुका था पहले और काफ़ी सारे कमेंट्स और मेल ईमेल्स आते थे कि सर इजिप्ट में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इजिप्ट में कंपनी बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में जानने के लिए हमें काफ़ी सारे हमारा व्यूअर्स ने मेल किए थे मुझे। तो इसलिए आज वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ कि वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इजिप्ट में आप कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या प्रोसीजर है, पूरी डिटेल्स में स्टार्ट करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन इजिप्ट और हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन इजिप्ट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो इजिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इजिप्ट में कैसे आपका कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कंपनी फॉर्मेशन इन इजिप्ट, इजिप्ट में अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इजिप्ट में कितने टाइप का कंपनी बनता है, कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो उसके ऊपर बता रहा हूँ। चार टाइप का कंपनी बना सकते हो। एक तो आएगा पहला LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड में आएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी JSC ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड में आ जाएगा ब्रांच ऑफिस। फोर्थ में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो चार टाइप का कंपनी बना सकते हो। ज़्यादा जो पॉपुलर है, ज़्यादा ईजी है फॉर फॉरनर्स, वो है LLC कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLC कंपनी। तो LLC कंपनी अगर बनाओगे, आप एक फॉरिनर हो, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो और आप इजिप्ट में आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप इजिप्ट में LLC कंपनी अगर बनाना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। LLC कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 100% ओन कर सकते हो फॉरिनर्स। अगर आप एक फॉरेनर हो, इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से हो, आप इजिप्ट में बिजनेस करते हो, तो आप 100% मालिक बन सकते हो, आपका कंपनी का 100% ओनर बन सकते हो। तो मिनिमम दो फॉरेनर, दो आदमी बन के LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप हो सकते हो या आपका परिवार का कोई हो सकते हो, आप आपका वाइफ या आपका पार्टनर कोई भी मिल के दो आदमी वो हो सकते हैं शेयर होल्डर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, पार्टनर बन के कंपनी बना सकते हैं। मिनिमम दो आदमी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो मिनिमम दो डायरेक्टर, दो शेयर होल्डर चाहिए, दो आदमी चाहिए। ऐसे ही इजिप्ट में टू पर्सन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, LLC कंपनी, ठीक है। अगर इजिप्ट में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहोगे तो दो आदमी जरूरत है, दो पार्टनर, दो डायरेक्टर, दो शेयर होल्डर का जरूरत है। तो दो मिलेगा तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसमें मैंडेटरी है एक इजिप्शियन मैनेजर का रखना पड़ेगा। आपका कंट्री मैनेजर, आपका कंपनी का मैनेजर कंपल्सरी एक इजिप्शियन नेशनल रहेगा जो आपका मैनेजर फुल टाइम मैनेजर रहेगा। और अगर आप इंडिया या कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो और आप इंडिया में रहकर भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपका इजिप्शियन जो मैनेजर रहेगा वो सैलरी बेस में रहेगा, आप उसको सैलरी मंथली दोगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन का टाइम पे जो आपका मैनेजर रहेगा उसका पासपोर्ट कॉपी वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा कि ये आदमी हमारा मैनेजर रहेगा, ठीक है। अगर आप फिलहाल इजिप्ट में आपका खुद का मैनेजर नहीं रह सकते तो लॉ फर्म आपको जो हेल्प करेगा, जो लॉयर आपको हेल्प करेगा, वो आपके लिए अरेंज कर देगा, एक इजिप्शियन आदमी अरेंज कर देगा जो ईयरली या मंथली कुछ पैसा लेगा सैलरी के हिसाब से, और स्लिपिंग पार्टनर स्लिपिंग मैनेजर टाइप का रहेगा, वो आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा लेकिन मंथली कुछ पैसा दोगे तो आप उसका नाम रहेगा एज ए मैनेजर। ये भी आप कर सकते हो। जैसे हमारे मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्री में हम स्पॉन्सर लेते हैं 51% लोकल स्पॉन्सर और 49% आप स्पॉन्सर बन के कंपनी बनाते हो, फिर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, आप स्पॉन्सर फीस दे देते हो, ईयरली स्पॉन्सर फीस देते हो, फिर कंपनी का पूरा 100% आप ओनर बन जाते हो। ऐसे ही इजिप्ट में ऐसे ही है, एक कंपल्सरी मैनेजर चाहिए, मैनेजर का पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए एट द टाइम ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कंपनी आप बना सकते हो, एक मैनेजर लेके बना सकते हो। और कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपका लीज चाहिए, आपका ऑफिस या दुकान लीज में लेना पड़ेगा, 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने के बाद जो एग्रीमेंट चाहिए, 1 साल का एग्रीमेंट चाहिए, वो एग्रीमेंट भी जरूरत है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और क्या चाहिए, आपका गवर्नमेंट का जो फीज है $600 गवर्नमेंट का फीज है, और आपका जो शेयर कैपिटल है मिनिमम $1,000। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है लेकिन मिनिमम 1000 जरूरी है अगर आपको आगे रेसिडेंसी वीज़ा लेना है और आपको आगे कंपनी बढ़ाना है, कंपनी ठीक से चलाना है। $1,000 आपको शेयर कैपिटल चाहिए। ये पैसा को आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, आपका बिजनेस अकाउंट में।
और लॉयर का जो फीस है, जो लॉयर लॉ फर्म आपको हेल्प करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिमम स्टार्ट होता है $1500 से स्टार्ट होता है, $5000 तक स्टार्ट होता है। $1500, $2000, $3000, $4000 आपको आपसे लेंगे, फिर आपको पूरा कंपनी बना के देंगे, ठीक है। कंपनी बनने के लिए दो से लेकर चार हफ्ता लगता है, यानी दो हफ्ता से लेकर चार हफ्ता यानी एक महीने के अंदर आपका कंपनी रेडी हो जाएगा। फिर आपके लिए आप कंपनी का ओनर रहोगे, फिर आपके लिए रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन जाएगा, एटली रेसिडेंसी वीज़ा इन इजिप्ट जो वर्क परमिट कहा जाता है, रेसिडेंसी वीज़ा जब आपका डायरेक्टर बनोगे तो आपको 3 महीना लगता है, ठीक है। उसके बारे में आगे बता रहा हूँ, तो ये आपको बता दिया LLC कंपनी बनने के लिए क्या प्रोसीजर है और क्या खर्चा आएगा आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इजिप्ट फॉर्मेशन के लिए अब मिनिमम 3 शेयर होल्डर चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे इंडिया में रहता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है एक, इंडिया में हमारा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है टाटा बिरला रिलायंस, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक को शेयर बेचता है, ठीक है, उनका कंपनी का शेयर बेचते हैं और फिर आप शेयर को बाइंग सेलिंग करते हो पब्लिक, ठीक है। ऐसे जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है बाहर में, आउट ऑफ इंडिया में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है वो शेयर बेचता है पब्लिक को। तो JSC कंपनी जो इजिप्ट में दो टाइप का JSC कंपनी होता है, एक होता है लिस्टेड कंपनी, एक होता है क्लोज कंपनी। क्लोज कंपनी होता है क्या है, छोटा कंपनी होता है जो फिलहाल लिस्ट करना नहीं चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में और अपना शेयर को सेल नहीं करना चाहते हैं। तो इस टाइप का कंपनी अगर बनाओगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, 3 शेयर होल्डर चाहिए, यानी 3 आदमी मिलकर बना सकते हैं। 3 आदमी कोई भी फॉरेनर हो सकता है या फॉरेनर या इजिप्शियन बनके मिलकर बना सकते हैं, और एक इजिप्शियन मैनेजर भी चाहिए, कंट्री मैनेजर एक इजिप्शियन को रखना पड़ेगा, उसको सैलरी भी आप तय करोगे। और एक कंपनी बनाने के लिए इस कंपनी जो क्लोज कंपनी क्लोज JSC कंपनी है उसके लिए $36,000 को आपको आपका बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, यह हो गया शेयर कैपिटल। तो ये बनने के बाद ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में। फिर लॉयर का फीस रहेगा $3,000 से लेकर $15,000 तक फीस रहेगा, डिपेंड करता है लॉयर कितना बड़ा है। बड़े बड़े लॉयर्स जो UK अमेरिका सिंगापुर हांगकॉन्ग का बड़े बड़े लॉयर जो करते हैं तो आपको $15,000 चार्ज करेंगे। इजिप्शियन लॉयर आपको $3,000-4,000 में बना देंगे, कोई कोई लॉयर भी आपको 1500-2000 में बना भी देंगे। तो अगर आपको जानते हैं तो 1500-2000 में बना देंगे JSC कंपनी। ये हो गया JSC क्लोज कंपनी। और एक आता है JSC यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी लिस्टेड कंपनी, यानी अगर आपको कंपनी को बड़ा करना है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम भी अनलिमिटेड डायरेक्टर रख सकते हैं। और इस टाइप का कंपनी बनाने के बाद आप इजिप्ट का स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट करके आपका जो शेयर को सेल कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड लोग आपका शेयर को खरीद सकते हैं। तो इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए आपको $29,00,000 को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो लिस्टेड जो अनलिस्टेड कंपनी है क्लोज कंपनी है JSC उसके लिए 36,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और ये लिस्टेड कंपनी के लिए आपको $29,00,000 को आपका कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर ये कंपनी आप लिस्ट कर सकते हो इन इजिप्ट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये कंपनी बनने के बाद आपको ऑडिटर चाहिए, एक फुल टाइम ऑडिटर चाहिए। LLC कंपनी जो बता दिया पहला ऑडिटर, LLC कंपनी के लिए आपको आप पार्ट टाइम या फ्रीलांसर ऑडिटर रख सकते हैं जो आपका कंपनी को ऑडिट करेगा, यानी इंडिया में हम कहते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपका कंपनी को आपका टैक्स के बारे में बताएगा। इजिप्ट में 22.5% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो इसलिए आपको जो भी कंपनी बनाते हो आपको एक फुल टाइम या पार्ट टाइम या फ्रीलांसर में चाहिए एक ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट इजिप्शियन होना चाहिए, जो आपका मंथली टैक्स वगैरह चेक करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको JSC कंपनी के लिए आपको बता दिया 36,000 का जो शेयर कैपिटल चाहिए, और कंपनी 1 महीना से लेकर 2-3 महीना लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। और दोनों कंपनी के लिए आपको ऑफिस लीज में लेना, ऑफिस रेंट पे लेना या आपका दुकान वगैरह रेंट पे लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों कंपनी के लिए आपका इजिप्शियन मैनेजर को अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड है और आपका कंपनी ऑलरेडी है और आपका इजिप्ट में आपका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है या बहुत सारे काम चल रहा है या इजिप्ट में आपका काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इजिप्ट में काफ़ी आपका डीलिंग हो रहा है इजिप्शियन कंपनी के साथ, तो आपको ब्रांच ऑफिस आना बहुत जरूरी है। तो आपका कंपनी के नाम पे इजिप्ट में आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस खोलोगे तो इजिप्ट का सेम नाम पे आप खोल सकते हो। एग्जांपल आपका कंपनी के इन इंडिया ABCD
प्राइवेट लिमिटेड, आप एबीसीडी एलएलसी इन इजिप्ट ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। इस ब्रांच ऑफिस के लिए आप इजिप्शियन मैनेजर रखना जरूरी है, कंपनी के लिए ऑफिस या रेंट ऑफिस या दुकान रेंट पे लेना जरूरी है। और इस कंपनी बनाने के लिए 600 से लेकर 1000 डॉलर गवर्नमेंट का फीस है, और लॉयर का फीस सेम है, 1500 से लेकर 3000 डॉलर आपको गवर्नमेंट चार्ज लॉयर चार्ज करेगा। और इस कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस टाइप का कंपनी में एक दो तीन आदमी, दो चार आदमी को, फॉरेनर को वीजा मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इजिप्शियन लोगों को कम से कम 20% जो फॉरेनर्स रहेंगे, 80% इजिप्शियन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी जॉब देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ब्रांच ऑफिस। ठीक है, थर्ड में, फोर्थ में आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस क्या होता है, अगर आप एक छोटा कंपनी हो इंडिया में या कहीं भी आप रहते हो, और इजिप्ट में आपको एक छोटा सा कंपनी बना के मार्केटिंग रिसर्च के लिए आपको इजिप्ट में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो एक कंपनी आप बना सकते हो। एक कंपनी बनाने के लिए 600 से 1000 डॉलर गवर्नमेंट का फीस है, लॉयर आपको 1500 से लेकर 3000 डॉलर चार्ज करेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप बना सकते हो, आपके लिए ऑफिस जरूरी है, ऑफिस या आपका दुकान रेंट पे लेना जरूरी है। कंपनी बन जाएगी, इसके लिए आपको कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा ऑन सेल। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग, बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो इस टाइप का कंपनी के लिए। एग्जांपल, आपका इंडिया में कुछ कंपनी है, आपको इजिप्ट बार बार जाना पड़ता है, रहना पड़ता है फॉर मार्केटिंग, फिर आप इस टाइप का कंपनी बनाओगे, फिर आप इजिप्ट जाइए, एक दो तीन महीना रहिए, आपके पास रेजिडेंसी वीजा रहेगा, फिर मार्केटिंग करिए, फिर इंडिया आ जाइए, फिर एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, और इस टाइप कंपनी बनाने के बाद इजिप्शियन नेशनल को, इजिप्शियन को आप रिक्रूटमेंट करके आप नौकरी में रख के और मार्केटिंग के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो चार टाइप का कंपनी आपको बता दिया। चारों कंपनी में इजिप्शियन, तीन कंपनी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो कंपनी हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को छोड़ के, तीनों कंपनी में ब्रांच मैनेजर, कंट्री मैनेजर को इजिप्शियन रखना, इजिप्शियन नेशनल को रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको बता दिया, पूरी डिटेल्स बता दिया। अगर आपको इजिप्ट में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो आप गूगल में सर्च करिए द लॉ फर्म्स इन इजिप्ट, काफ़ी सारे लॉ फर्म्स आपको दिखाई देंगे गूगल में, तो लॉ फर्म को आप कॉन्टैक्ट करिए, लॉयर को कॉन्टैक्ट करिए, लॉ फर्म आपको हेल्प करेंगे इजिप्ट में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा इजिप्ट में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। फिर इजिप्ट में ब्रांच ऑफिस रख के आप इजिप्ट में मार्केटिंग करिए, और इंडिया से आपका प्रोडक्ट लेके इजिप्ट में आप सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।